चीन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का साझा बयान आया है। ताइवान के खिलाफ आक्रामक सैन्य अभ्यास बंद करे चीन, ये है बयान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है ये जो आक्रामक युद्धाभ्यास कर रहा है चीन, वो बंद करे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही ताइवान स्ट्रेट में तनाव काफी बढ़ गया है। पेलोसी की ताइवान यात्रा से तिलमिलाए चीन ने यहां मिसाइलें दागी और सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया है। इसी सैन्य अभ्यास पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक सुर में कड़ी आपत्ति जताई है और तीनों देशों ने अपने साझा बयान में चीन को इसे तुरंत बंद करने के लिए कहा है। तीनों देशों ने चीन से मिसाइल दागे जाने की कार्रवाई पर भी निंदा की है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हू में 55वीं आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा ने मुलाकात की। इसी बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जाहिर की है कि स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक रीजन को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि चीन की चुनौतियों का सामना किया जा सके।